वन पीस मिस्ट्री से भरा हुआ है उनमें से एक मिस्ट्री है विल ऑफ डी विल ऑफ डी वन पीस की मांगा और इनमें है ये वैसे लोग जो कि डी क्लैन से बिलोंग करते हैं उनके विल पावर एंड डिटर्मिनेशन को दिखाता है मैंने अपने इस वीडियो में बताया था कि कैसे डी क्लैन का रिलेशन मून से हो सकता है और अगर तुमने इस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है प्लीज चेक इट आउट सो हेलो सोटांग सबसे पहले तो थोड़ा सा थो थो जान लेते हैं कि ये आखिर डी क्लैन है क्या सो वन पीस में कुछ गिने चुने लोग हैं जिनके नाम में डी लगा हुआ है और विल ऑफ डी यानी कि एक विल है जो की या कह सकते हो ये एक इनहेरिटेड क्वालिटी है या एक विश है जो कि हर एक डीक्लैन का मेंबर चाहता है और अनकॉन्शियसली उसके ऊपर काम भी कर रहा है मंकी डीलूफी गोल्ड डी रोजर रॉक्सी सीबैक और मार्शल डीटीक कुछ कॉमन नेम्स हैं जो तुमने सुने होंगे देखो पहली जो थ्योरी है वो वही है कि डीक्लैन के मेंबर्स कैसे लूनैटिक्स हो सकते हैं तो देखो अगर उस थ्योरी को जानना है तो तुम प्लीज इस वीडियो को चेकआउट कर लो क्योंकि अगर मैं वही थ्योरी को इस वीडियो में बोलूंगा तो तुम्हें कुछ नहीं समझ में आया क्योंकि बहुत लंबी थ्योरी है और मैं नहीं चाहता कि इस वीडियो को तुम बीच में ही छोड़कर चल जाओ तो अगर तुमने नारोटो देखा है तो उसमें भी एक विल ऑफ फायर था जिसका मीनिंग था कि लव वुड इवेंचुअली ब्रिंग पीस और जिसका मेंशन काफी बार हुआ है तो सिमिलरली विल ऑफ डी का भी एक मीनिंग हो सकता है और जस्ट लाइक नारोटो डी के मेंबर्स unconsciously इसके मीनिंग को जानते हैं और इस पे काम भी कर रहे हैं एपिसोड 965 ने हमने रोजर को ये कहते देखा था यानी कि रोजर को इसका मतलब पता था आगे जाके रोसिनेट ए के कोरासान ऑफ कोर्स वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी कैरेक्टर्स ने भी कहा था कि डी क्लैन के मेंबर्स गॉड्स के नेचुरल एनिमी हैं। और मैं पहले ही बता दूं कि डोफ्लेमिंगो और उसके पूटस का पूरा जो खानदान था वो सेलेस्टियल ड्रैगन्स था और तुम जानते हो मैं भी जानता हूं हर वन के जाता है कि डोफ्लांगो से ज्यादा कोई नहीं जानता इस वर्ल्ड के बारे में मे भी सैंक्स और इमू जानते ही होंगे बट राइट right नाउ डोफ्लामिंगो ने मतलब पहला बंदा जिसने रिवील किया है बहुत सारे एनीमे में एंड मांगा दोनों में तो अगर रोजी नेटियो की फ्लैमिंगो का भाई ये कुछ भी कह रहा है, है तो उन्होंने कहा है और इस तरह कई बार इसका मैंशन काफी कैरेक्टर्स ने किया है अगर अभी कोई कैरेक्टर वन पीस के बारे में सबसे जानता है तो वो ऑफकोर्स फ्लैमिंगो है उसके बाद अगर कोई है तो सांग ड्रैगन ईमु खुद ही एक मिस्ट्री है और ये नेचुरल है की डी गी क्लैन और विल ऑफ डी

खत्म कर दिया मे बी बिकॉज उनके पास कोई ऐसी चीज हो जो

जितने भी डी लाइन के मेम्बर्स है सब कहीं ना कहीं रिलेटेड ही है अब रिसेंट चैप्टर में हमें हमने बहुत सारे हिंट्स को देखा है और इससे इतना कन्फर्म हो गया कि पास्ट में किसी के भी नाम में डी हो सकता था फॉर एग्जाम्पल याद करो कि एस ने सावो को डी देने का प्रपोजल दिया था डी ऑफकोर्स लेटर है डी उसको देने का प्रपोजल दिया था आई नो तुम्हें ये सिर्फ काइंड ऑफ बचपना वाली हरकत लग रही होगी बट ये वन पीस है और हर चीज एक मिस्ट्री है और उसका जवाब हो सकता है सेकेंड हिंट हमें तब मिलता है जब इमू को पता चलता है कि लिली के नाम में भी डी है अभी मैं जो भी बोलने वाला वो मे भी तुम्हारे लिए स्पॉलर हो सकता है तो प्लीज अवॉइड करना इसके इमू को लीली के बारे में सब कुछ पता था बट उसका पूरा नाम वो भी नहीं जानता था जबकि लीली इमू के साइड ही में थी अगेंस्ट में नहीं थी अब इसका एक मतलब हो सकता है कि लिली के नाम में तब तक डी नहीं था जब तक उसने इमू को बिट्रे नहीं किया या फिर इमो के अगेंस्ट खड़ी नहीं हुआ इसलिए इमू ने डायरेक्टली किंग कोपरा पर अटैक किया ये सुनने के बाद कि लिली के नाम में डी है पिछले आठ सालों से इमो श्योर नहीं था कि लिली उसे बिट्रे कर रही है कि नहीं बट जैसे ही उसने ये सुना कि लिली के नाम में डी बीच है उसे पता चल गया कि लीनी ने उसे बिट्रे कर दिया है अब अगर इस बात को तो कंसिडर किया जाए कि पास में डी क्लैन के मेम्बर्स ब्लड रिलेटेड नहीं थे तो फिर उनमें आखिर मतलब ऐसा क्या है जो उन्हें कनेक्ट कर रहा है और कैसे ली, ली उस समय ही डी क्लैन के मेम्बर्स मेम्बर बन गई जिस समय उसने इमो को बिट्रे किया एंड द एंसर कुड बी द विल ऑफ डी देखो डी क्लैन के विल में पूरे एंटायर एक एरा को चेंज करने का पावर है जहाँ भी क्लैन के जाते हैं वहाँ पे वहाँ पे मतलब कहीं ना कहीं से अब सारी जितने भी अटेंशन है वो अपने तरफ खींच लेते हैं अब तुम्हें अगर चैप्टर हंड्रेड याद हो तो ड्रैगन ने ये स्टेट किया था कि इनहेरिटेड वेल अ मैंस ड्रीम द फ्लो ऑफ टाइम ऑफ़ देम कैन बी स्टॉप एक कैरेक्टर विल को इनहेरिट करता है टाइम के फ्लो के साथ उस विल पे काम करता है जब उसका टाइम खत्म हो जाता है तो उस विल को अगेन पास कर देता है और ये साइकिल चलता रहता है का एग्जांपल ले लो उसने जेफ़ के विल को इनहेरिट किया और सही टाइम का इंतजार कर रहा है जब उसके उस मतलब जब उसको ऑल ब्लू मिल जाएगा और वो जेफ़ के ऑल ब्लू के सपने को पूरा करेगा और अगर उससे नहीं मिला तो फिर वो विल को किसी पर पास आउट कर देगा और वो बंदा उस पर वर्क करेगा जब तक वर्क करते रहेगा जब तक वो विल पूरा नहीं हो जाता उस विल के अंदर जो गोल है जो विश है वो पूरा नहीं हो जाता सेम गोस्ट और फ्रेंकी रॉबिन एंड मेनी मोर कैरेक्टर्स और डी क्लैन के लिए भी ये सेम ही है उन्होंने एंशियंट किंगडम के विल को इनहेरिट किया है और दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू बीट गोरोसे क्योंकि यही वो बंदा है जिसने एंशियंट किंगडम को डिस्ट्रॉय किया था विच इज ऑलरेडी स्टेट द मांगा और सब कुछ समराइज किया जाए तो यही है द विल ऑफ डी गोरो को हराना वन पीस को ढूंढना एंड पीस को डिस्टोर करना आई नो वीडियो काइंड ऑफ फनी थी क्योंकि विल ऑफ डी से इतना मतलब ऐसे खत्म हो गया और ऑफकोर्स बहुत सारा कन्फ्यूजिंग भी लगा होगा आई एम सॉरी फॉर द इनकनवीनियंस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो साइन